सातवें दिन शीतला सप्तमी पर आज सुबह से माता के मंदिरों में लग रही महिलाओं की भीड़। होली के सातवें दिन आरोग्यता की कामना से गुरुवार को सुबह से ही शीतला माता के पूजन के लिए मंदिर में महिलाओं की कतारें लगी हैं। शीतला सप्तमी पर सुहागिन महिलाएं माता को एक दिन पहले बने भोजन और ठंडे व्यंजन का भोग लगाती हैं। पिछले वर्ष की तरह इस बार मंदिर में पूजन को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, जिसके चलते पूजन के लिए मंदिरों में सुबह से ही महिलाओं का मेला लगना शुरू हो गया है। पंडित संतोष पंडा ने बताया कि शीतला सप्तमी व्रत शीतला माता को समर्पित है। पूजन के लिए महिलाएं एक दिन पहले बने भोग से शीतला माता का पूजन करने की मान्यता है। शीतला माता का व्रत करने से शरीर निरोगी रहता है, संक्रामक रोग से रक्षा होती है। इस दिन ग्रीष्म काल शुरू हो जाता है, दिन बड़े होने से तापमान में वृद्धि होती है। शीतला सप्तमी माता मंदिर पर हजारों की संख्या में पहुंची महिलाएं, उन्होंने पूजा किया और पूजन व्यवस्था बनाने के लिए शीतला माता मंदिर समिति के अध्यक्ष संतोष पंडा, राजेश टुआनी, नरेंद्र भारती, शुभम पुरोहित, संजय तिवारी, आयुष गर्ग, राहुल भगत, अश्विनी सोनी सहित मंदिर प्रबंधन के द्वारा दर्शनार्थियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए माकूल इंतजाम किए गए थे। यहाँ पर भोजन प्रसादी बनाते सभी माता बहने पूरे श्रद्धा और भाव के साथ, और सप्तमी के दिन ठंडा बासी, क्योंकि शीतला माता का ऐसा है कि आज के दिन ठंडा भोजन उनको चढ़ता है और मनोकामना करते हैं कि वे निरोगी रहे, उनके घर में धन सम्पदा रहे, सारी व्याधियां दूर हो, इस तरह की कामना करके माँ शीतला माता के दरबार में सभी माता बहने रात को 11 बजे से लाइन लगाकर यहां पर खड़ी हुई है। और ये करीबन नगर कन्नौज के 5 से 7 हज़ार महिला थालियों में लेकर और श्रद्धा भावना के साथ पूरी रात यहाँ पर इंतजार करते हैं और माँ शीतला माता के दरबार में पूजन अर्चन करती है। कितने वर्षों से आप देखते आ रहे हैं सिलसिला जारी है? ये सिलसिला तो मेरी उम्र कम से कम 55 साल है, तो कम ये मान लो कि 40 साल से जब से मैंने वो सवाल तब से मैं देख रहा, लेकिन हमारे पूर्वज कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से यहाँ पर ये शीतला माता का मंदिर पर यह पूजन अर्चन हो रही है और इसका कोई इतिहास नहीं, कितने कम से कम 200-250-300 साल से पहले की यहाँ पर यह माता जी स्थापित है। ऐसा भी सुनने में आता है कि सब मंदिरों की देखरेख ब्राह्मणों के उसमें की जाती है और एकमात्र कन्नौज का शीतला माता का मंदिर है, यहाँ पर विशेष परिवार के लोग ही इसकी देखरेख और इसकी साज सज्जा करते आए हैं। जैसे जिस तरह के शनिदेव भगवान के लिए जोशी परिवार वो उठाते हैं, तो उसके बाद फिर जैसे कि यह शीतला माता के दरबार में इसमें जो भी हल्ला भला होती है सब वो ये परिवार के ऊपर ऐसा वरदान है कि इसकी यहाँ की पूजन अर्चन वही लोग करेंगे और वही यहाँ की सामग्री उठाएंगे, ताकि उनको वरदान दिया है कि ये शीतला माता का ठंडा बासी भोजन और यहाँ की सामग्री जितनी भी आती है वो सब उन्हीं के उपयोग में रहती है। कन्नौज नगर की ओर से आप देश दुनिया को शीतला माता पर्व की ओर से क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरे नगर कन्नौज के नागरिकों से माता बहनों से यही कहता हूँ कि माँ शीतला माता के दरबार में आप श्रद्धा और भावना के साथ आए, और आने वाले वर्ष में मेरा सभी माता बहनों से ये निवेदन है कि आप जो भोजन प्रसादी लेकर आते हैं पॉलिथीन में पैक करके लेकर आए, क्योंकि ये अन्न सभी को प्रसाद रूप में पूरे नगर में और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता है, तो ये व्यर्थ ना जाए, क्योंकि इतना ही लो थाली में जितना व्यर्थ ना जाए नाली में। इसी तरीके से की भावनाओं को देखते हुए माँ शीतला माता के दरबार में सभी माता बहनें पूजन करने आती है। बोलो शीतला माता की जय, माता की जय, माता की जय। कन्नौज से नितेश शर्मा की रिपोर्ट।